तो ज़्यादा कोई डीप फ्रीलांसिंग की बात नहीं होगी, छोटी सी बातें, छोटी सी लाइव स्ट्रीम करूँगा और कोशिश करूँगा कि लाइट लाइट फ्रीलांसिंग के मुताबिक थोड़ी सी बात करूँ और आप लोगों को फ्रीलांसिंग का थोड़ा सा बताऊँ। क्योंकि आप लोगों को अगर शायद, मैं ये नहीं कह रहा कि फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दें, इस लाइव स्ट्रीम का ये पर्पज़ नहीं है कि आप लोगों को फ्रीलांसिंग का मैं कह रहा हूँ कि स्टार्ट कर दो फ्रीलांसिंग, मैं करता हूँ आप भी करो। आपको एटलीस्ट अवेयरनेस होनी चाहिए कि फ्रीलांसिंग है क्या। तो जो अगर करना चाहे वो कर भी सकता है। फ्रीलांसिंग एक ऐसी फ्रीलांसिंग एक जॉब या एक बिजनेस का स्टाइल है जिसमें हम परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होते, हम कॉन्ट्रैक्ट बेस काम करते हैं किसी कंपनी के साथ, किसी या किसी इंडिविजुअल के साथ, किसी ब्रांड के साथ। जब वो कोई उसमें जैसे जॉब होती है ना, जब हम कोई जॉब करते हैं, कोई किसी को भी जॉब मिलती है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, या कोई भी इस तरह की चीज़ होती है। तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, तो फिर भी एक कॉन्ट्रैक्ट तो स्टार्ट में साइन करना पड़ता है। तो फ्रीलांसिंग में कॉन्ट्रैक्ट कोई नहीं होता, ये आपके और क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग होती है कि आपने वो आपसे क्लाइंट कितना काम करवा रहा है। तो फ्रीलांसिंग एक ऐसा तरीक़ेकार है कि आप जो है इन हाउस जॉब नहीं करते, आप ऑनलाइन जॉब करते हैं डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ, और एक वक्त में आप कई क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हैं। हालांकि जो जॉब है, जॉब में आप एक कंपनी में जॉब करते हैं, तो वो कभी, वो आपको शायद कभी पार्ट टाइम अलाउ नहीं करते कि आप पार्ट टाइम भी कहीं और जॉब नहीं कर सकते, या आप एक वक्त में दो जॉब्स नहीं कर सकते, तो बड़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जॉब्स में। तो खैर, फ्रीलांसिंग में ये थोड़ा सा कैजुअल सा और फ्री जॉब सा सिस्टम है, और इसको कुछ लोग जॉब कहते हैं फ्रीलांसिंग को, कुछ लोग बिजनेस लाइफस्टाइल कहते हैं। फ्रीलांसिंग जो है वो किसी भी किस्म की हो सकती है। फ्रीलांसिंग वीडियो एडिटिंग की भी हो सकती है। फ्रीलांसिंग तो एक पैटर्न है ना कि आप परमानेंट बेसिस पे जॉब कर रहे हैं या आप फ्रीलांसिंग पे कर रहे हैं। तो फ्रीलांस आप जो फ्रीलांसिंग करता है उसको फ्रीलांसर कहते हैं। अब कोई जिसके पास जो भी कोई स्किल है वो स्किल बेच सकता है फ्रीलांसिंग के जरिए। मिसाल के तौर पे आप वीडियो एडिटिंग करते हैं ना, तो आप फ्रीलांस वीडियो एडिटर बन सकते हैं। आप अपनी काम को अपने यूट्यूब पे वगैरह पे अपलोड कर सकते हैं या किसी और प्लेटफॉर्म पे। अब आपने बेसिकली क्लाइंट ढूंढना है, या कस्टमर ढूंढना है, या आपने एम्प्लॉयर ढूंढना है। हम इसको क्लाइंट क्लाइंट कहते हैं कि आपने क्लाइंट ढूंढना है जिसको वीडियो एडिटिंग की ज़रूरत है। फिर जब आपको, अगर वो क्लाइंट कहीं भी मिलता है, फेसबुक पे मिलता है, ट्विटर पे मिलता है, यूट्यूब पे मिलता है, आप उसको ऑफर करते हैं कि मैं वीडियो एडिटर, या जो भी आपकी डिटेल है कि मैं फ्रीलांस काम करता हूँ और मैं इस तरह करना चाहता हूँ। वो पूछेगा क्या, किस रेट पे करते हो, आवरली रेट पे करते हो, या आपका फिक्स कोई प्राइस है, या इतने मिनट की वीडियो के कितनी आप चार्जेस लेते हो। आपकी आपस में बात होती है ईमेल के ज़रिए, स्काइप के ज़रिए, जैसे मर्जी, जैसे दोनों को सूटेबल होता है। उसको ज़रूरत होती है आपकी, आपके रेट पसंद आते हैं, वो आपको कहता है ठीक है आप ये मेरा काम स्टार्ट कर दो। वहाँ इस तरह फ्रीलांसिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अब बात ये है कि अब लोग ये सोच के चुप हो जाते हैं कि यार पता नहीं फ्रीलांसिंग क्या होती है, हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, पता नहीं ये 2-3 किस्म के लोग बस कर सकते हैं फ्रीलांसिंग। तो फ्रीलांसिंग कुछ भी फ्रीलांस हो सकता है यार। एक प्लम्बर घर पे आता है ना आपके, पाइप वगैरह कोई सही करने, कोई फिक्स करने, कोई टूटी वगैरह, ये चीज़ वो भी फ्रीलांस काम करके जाता है आपके पास। ये होती है फ्रीलांसिंग। आपने उसको परमानेंट रखा तो नहीं है ना अपने घर पे नौकरी पे, कि जी तुम प्लम्बर हो, तुम घर पे आओगे और तुमने हमारे साथ ड्यूटी करनी है 9 to 5। वो आता है, काम करता है, पैसे लेता है, चला जाता है। वो भी फ्रीलांस प्लम्बर है एक किस्म का। तो फ्रीलांसिंग ये होती है। आप अब फ्रीलांस, अब लोग ये सोचेंगे कि हम क्या कर सकते हैं फ्रीलांसिंग। ये आपने ढूंढनी है अपनी स्किल कि आप क्या कर सकते हैं एज ए फ्रीलांसर। आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, आप ब्लॉग राइटिंग कर सकते हैं, आप ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, आप और भी मज़ीद बे इंतहा जिस चीज़ की डिमांड है, आप उस डिमांड के अगेंस्ट सप्लाई दे सकते हैं, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो। ये तो 2-3 चीज़ों के मेरे नाम जहन में आए हैं, तो मैं वो बोले जा रहा हूँ, लेकिन फ्रीलांसिंग किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में आप कर सकते हैं। उसकी डिमांड होना ज़रूरी है, उसकी ऑडियंस होना ज़रूरी है, उसकी क्लाइंट्स होना ज़रूरी है।
अब जाहिर है ज़्यादातर फ्रीलांसिंग होती है इंटरनेट पे। अब इंटरनेट पे आप क्या कर सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, रिटन कंटेंट बना सकते हैं और ग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं, ऑडियो पे काम कर सकते हैं। तो ये चार पांच किस्म के जो कंटेंट हैं इनके ज़रिए फ्रीलांसिंग ज़्यादा होती है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। आपको पता है फ्रीलांसिंग मुझे कुछ दिन पहले एक मिले साहब, वो कनाडा और यूके वगैरह में ओवरसीज़ पाकिस्तानी फैमिलीज़ को उनके बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं स्काइप के ज़रिए, तो वो भी एक किस्म के फ्रीलांस कारी साहब हुए। तो इस ये फ्रीलांसिंग, आप बस फ्रीलांसिंग ये है कि आपने एक परमानेंट जॉब नहीं होती, एक परमानेंट आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते, आप एक डिमांड के अगेंस्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। डिमांड है, एक क्लाइंट को ज़रूरत है आपकी सर्विस की, आप प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं, आप उसको अपनी सर्विस ऑफर कर देते हैं, वो आपको उसके अगेंस्ट पे करता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात अगर फ्रीलांसिंग करनी है तो अपना एक पैशन या अपनी एक स्ट्रेंथ ढूंढ लें कि आपकी स्ट्रेंथ ये है, आपका पैशन ये है। उसके बाद फिर आप कस्टमर ढूंढ लें, उसके लिए फिर आप सोशल मीडिया को यूज़ करें, और भी तरीक़ेकार हैं उसको ढूंढने के। लेकिन ये है कि अपनी स्ट्रेंथ पे खेलें, अपनी स्ट्रेंथ को फाइंड करके अपनी स्ट्रेंथ को बेचने की कोशिश करें, तभी फ़ायदा है।